नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज मैं आपको दूसरी बार फिर मिलाने के लिए लेके जा रही हूँ शिव सोनी, जिसे टाइगर कहा जाता है। टाइगर जिसे बात करते हैं कि कहा जाता है कि पंजाब रंगीला पंजाब, सोने की चिड़िया, कहाँ गया वो सोने की चिड़िया। पूछते हैं टाइगर जी से कि जो पंजाब में गुरदासपुर खास तौर से माहौल दिन पे दिन खराब हो रहा है, चोरियां, डकैतियां, लूटपाट, व्यापार जो जो करने जाते वो भी सुरक्षित नहीं है। महिला जो कि सड़क पे जा रही है, किसी की दुपट्टा खींच रहा है, किसी का कोई बाली खींच रहा है। आइए टाइगर से जानकारी लेते हैं कि टाइगर जी ये पहले बताइएगा हमें। नमस्कार टाइगर जी। सर, पंजाब खासतौर से गुरदासपुर का दिन पे दिन माहौल खराब हो रहा है, बाहर नहीं निकल सकते लोग, खासतौर से बच्चे हैं, लेडीज है जो व्यापार करने जाते हैं, दिन में 500 रुपया दिहाड़ी लेकर आते हैं, रात को वो देखे जाते हैं, रस्ते में पकड़े जाते हैं, कोई चार बंदे पड़ गया, कहीं दो पड़ गया, पुलिस के हाथ पे हाथ बैठी हुई देखे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात सही है कि आपकी जो पंजाब में जो माहौल बना हुआ है वो बहुत खराब है, जो मेरे ख्याल में आगे बद से भी बदतर होगा। और पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से तो हर कोई करता ही है, कोशिश करता ही है कि ऐसा माहौल ना बने, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पकड़ से दूर होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि पिछले दिनों जो कुछ सालों में जब पहले कांग्रेस सरकार भी थी तभी एक हमने एक बार मुहिम शुरू की थी कि यहाँ पे इलीगल वेपन जो है वो बहुत आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास भी वेपन पहुँचे हैं, जिनको सही तरीके से चलाना भी नहीं आता वो भी वेपन लेके घूमते हैं। क्योंकि एक तब एक नया इंसिडेंस हुआ था कि छोटे छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे उनका आपस में झगड़ा हुआ था, तो उनमें से एक ने वहाँ पे रिवॉल्वर निकाला, तब हमें पता चला था। तो हमने काफी इसकी मुहिम चलाई थी, पुलिस के साथ भी कॉन्टेक्ट किया था, आईजी परमार सर होते थे उनसे भी डिस्कशन की थी कि यहाँ पे बहुत से इलीगल वेपन्स है, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, लेकिन काफी हथियार पकड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत भरमार हो चुकी है यहाँ पे जो इलीगल वेपन्स है वो बच्चे बच्चे के पास पहुंचे, और ऐसा कोई भी दिन नहीं निकल रहा है जब पंजाब में गोली नहीं चल रही, जब कोई वारदात नहीं हो रही। तो आज भी गोली चली, आज भी एक लड़के को मारा गया है, बताना भी खैर हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति बस से बदतर हो गई। सर, क्या कारण है कि पुलिस हाथ पे हाथ पे धक्के बैठी हुई है? क्या पुलिस का लोगों को डर खत्म हो गया? अगर लोग पुलिस से ही डरना खत्म हो गया तो फिर क्या सुरक्षा देगी इंसान की, ये बताइए इसके बारे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ऐसा कुछ एफर्ट नहीं कर रही है, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं जो कई बार हाथ से निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी हाथ से निकले ही हुए हैं, क्योंकि ये चीजें तो पहले करना नहीं चाहिए थी, जो अब करने की जरूरत पड़ रही है। जब पता है एक व्यक्ति को पकड़ा है, एक लड़के को पकड़ा है, एक मुजरिम को पकड़ा, उसे इलीगल वेपन मिले, तो उसके तार जो कहाँ कहाँ पहुंचे वो सारी डिटेल में जाना चाहिए, वो कहाँ से वो वेपन लेके आया, कहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना, तो कैसे उसके पास पहुंचा है, तो ये सारे के सारे जो तार पहुंचे। लेकिन ये क्या करते हैं, जिसको पकड़ा जाता है बस उस पर ही थोड़ी सी कार्रवाई होती है और थोड़े दिन बाद वो चंद दिनों में छूट जाता है, क्योंकि कानून भी थोड़ा लचरा है। लेकिन अभी मोदी जी ने जो चेंज की है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसका कुछ फायदा हो, लेकिन जो हालात मैं ये कहना सकता हूँ आपके माध्यम से, ये इतना कह रहा हूँ कि कुछ ये मैं भुगत भोगी हूँ। बोलते हैं कि आतंकवाद पंजाब में जो फैल रहा है उसका एक मैं कैसा विक्टिम मैं भी हूँ, क्योंकि 2015 में मुझे सजा दिन दिहाड़ी जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तब एक आतंकी था कश्मीरा सिंह, जिसने मुझे सजा गोली मार दी थी। लेकिन पोजिशन सिंपल सी ये है कि वो आतंकवादी बेशक पुलिस के हाथ में आ गया था, लेकिन अगले ही साल 2016 में वो एक कुख्यात आतंकवादी जो हरविंदर मिंटो था, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखी था, उसके साथ विकी बॉर्डर गैंगस्टर था, बहुत पॉपुलर था वो, उसके साथ वो जेल से भाग गया था, जो आज तक पुलिस के हाथ में नहीं है। और उस पर विडंबना ये है कि एक हिंदू नेता होने के कारण शायद जो हमारे हत्यारे हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जाता, और उसको एक तब एक उपाधि दी गई थी कि वो एक पार्टी है और उसकी जो पर्सनल फीलिंग कुछ हर्ट हुई थी, शायद मैं भिंडा वाले के खिलाफ बोलता हूँ या खालिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ, तो इन्होंने ये शो करने का प्रयास किया था कि उसके उसकी जो पर्सनल फीलिंग हर्ट हुई थी उसकी वजह से उसे अटैक किया, ना कि किसी आतंकी संगठन के साथ उसका कोई तालमेल था। लेकिन वही जब कश्मीरा सिंह, जिसको वो इनोसेंट बोल रहे थे, जब 2016 में आतंकियों के साथ भाग गया, तो ये खुद ही इन्होंने आतंकी कहना शुरू कर दिया, कई न्यूज ऐसी आई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने अभी तक नहीं माना। अभी इसमें एक और चीज मैं जोड़ रहा हूँ इसके साथ ही, कि इसकी जांच एनआईए ने की थी। एनआईए ने जब ये पिछले साल ही उन्होंने क्या किया था कि जब वो उसको लगा, उनको लगा, उनको एनआईए हमारे देश की सबसे बड़ी जो एजेंसी है
जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीरा सिंह एक बहुत बड़ा आतंकी था और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी उन्होंने रखा था। और मैं ये मांग कर रहा हूँ बड़ी देर से कि अगर NIA जैसी एजेंसी उसको आतंकवादी मान रही है तो फिर पंजाब पुलिस क्यों नहीं मान रही है? इनका इनका सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है ये इन आतंकियों के लिए? क्यों उनको आतंकी कहने से ये डरते हैं, और खास करके उन आतंकियों को जिन्होंने हिंदुओं को मारा होता है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो अभी पहले जो इलीगल वेपन आते थे तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया और बढ़ते गए, आज बच्चे बच्चे के पास जो इलीगल वेपन है। और इसी तरह जैसे अभी गैंगस्टरों को ढील दी जा रही है, जैसे उनको सही ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा, आतंकियों को ढील दी जा रही है। देखिए अभी जो चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट हुआ है सर, उसमें कितना नुकसान हुआ? जो चंडीगढ़ में आकर बम फटा है उसमें लोगों का कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा? नहीं, वो तो एक सांकेतिक था, उन्होंने कहा कि 1986 में किसी SP ने किसी आतंकियों को मारा था तो उसकी याद में उन्होंने वो ब्लास्ट किया है उसके घर पे, और एक याद दिलवाई है कि 1986 में ऐसे कुछ हुआ था। और ये सबसे बड़ी बात है, खालिस जो बब्बर खालसा उसने ये इसकी जो जिम्मेदारी, तो अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई जो गैंग जो है या ये खालिस्तानी जो संगठन है या आतंकी संगठन है वो पंजाब में जो घूम फिर रहे हैं सरेआमी, और उन्होंने अपने क्राइटेरिया बदला, उन्होंने कुछ गैंगस्टरों को हायर किया है या कैसे उनके अपने अपने एफर्ट करें। लेकिन अगर हम मान के चले कि देखो मोहाली में NIA के जो ऑफिस था, सॉरी NIA नहीं, इंटेलिजेंस के ऑफिस में, वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। तरन तारण में थाने में हमला हुआ था रॉकेट लॉन्चर के साथ, कई ऐसी जगह हुई हैं जहाँ पे थानों में भी हमले उन्होंने कर दिए। तो इनका उनका शायद ये हो सकता है कि उनको ये लगता है कि हमें पकड़ा ही जाए अगर हम ऐसी कुछ हरकत कर भी जाते हैं,